directions. I can talk about my son's birthday, which is coming. I have a lot of things I want to talk about. To go back, years back, to something which I'm not, obviously it was not a very pleasant time in my life. जिस सीजन दिली पूरी की पूरी उतर दिली एंड बड़े करते संभलते करते हुए अब मैं एक जगह पे आई हूँ. मैंने खुद बिग बॉस किया हुआ है. आई डिड नॉट लेट दैट टेक द सेंटर स्टेज. तो सडनली इट्स ऑल ओवर द प्लेस और वो मुझे कम्फर्ट नहीं है मेरा उसमें और वो डेफिनेटली मुझे बॉदर करता है. और शालीन जब जा रहे थे तो मैंने उनको कॉल किया था. आई सेड यू नो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विश कि आप ट्रॉफी लेकर आए अपने घर एंड you win the damn show. Yeah. And that is genuinely what I mean for him. Because, you know, he's moving on, I've moved on, and I wish him luck and nothing else, yes. Right? But to in front of so many cameras, chahe wo kisi bhi karan se, shayad kisi ke bhi books mein aane ke liye, jo bhi aapka reason hai, aap itne frivolously haste hue mere past ko nahi la sakte ho aur us cheez ko itne aasani se aap nahi bol sakte. शायद ही वो ट्राइंग टू डॉज इट या शायद जो भी उनका रीज़न था. बट वो मेरे लिए इट इज़ वेरी बिग क्योंकि यू नो इट इज़ लाइक इट इज़ नॉट अ कम्फर्टेबल प्लेस टू बी इन. और वो मुझे बॉदर किया और मैंने यस ट्वीट किया. और ऑनेस्टली उसके बाद मैं बिग बॉस अब ऑन एंड ऑफ देख ही नहीं रही हूँ. मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ रिसेंटली भी किसी ने पूछा कि शालिनी ने ऐसा बोला है था इन बट मुझे पता ही नहीं है. Yes. तो मुझे शायद वो देखा तो मुझे बहुत स्ट्रांगली हिट कर गया बिकॉज ऑब्वियसली यू नो आई हैव अ डिफरेंट स्टोरी टू द होल थिंग. सो मुझे नहीं अच्छा लगा बट शायद नहीं देखना इज माई ओनली एस्केप. तो मैं अब ट्राई कर रही हूँ कि ना देखूँ. सो शायद आई सेव माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू सेव माई सेल्फ. मुझे इमोशनली आई डोंट वॉन्ट टू गो थ्रू इट.